बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल फैमिली व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ जो मॉर्निंग रूटीन्स हैं वो शेयर करूंगी और यहाँ पे जो मैं लंच में जो बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या है। और मेरी रोज़ की जो रूटीन है वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी, जो हाउस वाइफ की होती हैं। घर के हर औरत ही सुबह के काम यही होते हैं, हर घर के ये कपड़े वगैरह रखने हैं, बेडशीट का कमरा साफ़ करना है और सफाइयाँ करनी हैं। तो ये रेगुलर रूटीन्स थी मेरी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैं झाड़ पोछ होता है सबसे पहले यही करती हूँ काम, क्योंकि ये होता है कि सफाई हो जाती है फिर उसके बाद हम किचन में जाते हैं और किचन का एक अपना होता है। और अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन बच्चे तो रेगुलर हाई स्कूल जा रहे हैं विदाउट यूनिफॉर्म में, और एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं इन लोगों के। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इन लोगों को भेज के सबसे पहले मेरा यही होता है कि झाड़ू वगैरह देनी है या फिर घर की सफाई करनी है। झाड़ पोछ के बाद ही ये काम मेरे स्टार्ट होते हैं किचन के। और यहाँ पे ये देखें, मेरे जो सारा जो काम था, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ये दो कमरे हैं पोर्शन से, तो उसके मैंने जो भी काम था मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया था अपना। और अब बच्चों की भी आने का टाइम हो गया था क्योंकि 8:30 बजे जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं क्योंकि स्कूल ड्यूटी नहीं है, घर के ही वो बस जो टेस्ट वगैरह होते हैं रेगुलर के वो लेकर आनी होती है। तो अब पेपर्स भी हर हाल में होने हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का तो शेड्यूल ये है। तो सबसे पहले मैंने जो था किचन के वो कमरों की जो सफाई थी वो मैं कर चुकी थी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, हमें आई बहुत दिन से ये थोड़ी सी गंदी हुई थी, तो मैं आपको दिखाना भी चाह रही थी कि किस तरीके से इसकी सफाई होती है, क्योंकि प्याज आलू वगैरह जो हम रखते हैं वो बास्केट बहुत गंदी हो जाती है और उसकी सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आते रहते हैं और डालते रहते हैं। तो थोड़ा ये ज़्यादा थोड़ा मैं इसलिए टाइम दे देता, डिले कर देता कि आपको दिखाने के लिए, वरना जब भी मैं चेंज करती हूँ तो इसको धो के फिनिश करके ही करती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने इसको धो लिया था और यहाँ पे मेरी बास्केट है, क्योंकि अब गर्मी इतनी हो रही है कि प्याज वगैरह अगर ज़्यादा दिन रखें तो वो सड़ जाते हैं। और हमारे तो शदीद किस्म की गर्मी है यहाँ पाकिस्तान में कि 40 से भी अबव जा रहा है यहाँ सेंटीग्रेड जो है उसका इसका गर्मी का, इतनी सख्त धूप है और पकाना एक हाल हो रहा है यहाँ पे। तो बस यही होता है कि बस लाइट लाइट खाना बनाओ और बस फटाफट किचन से निकलो। तो दोपहर का टाइम होता है तो सबको लंच में चावल ही चाहिए होते हैं, तो कभी सालन के साथ बन जाते हैं तो कभी दाल चावल वगैरह होते हैं, और जो सालन वगैरह होता है फिर वो शाम की मॉर्निंग में बना लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं खड़े मसूर की दाल चावल बना रही हूँ। अच्छा, इसके साथ मैंने थोड़ी सी हमारे यहाँ होता है कि अगर दो प्याली मैंने वो लिए 1.5 प्याली, तो आधी प्याली हाफ प्याली हम यहाँ पे मसूर की दाल भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि इसमें एक लोच आ जाता है जो एकदम अगर हम खाली बनाएंगे तो उसमें ये होता है खड़ी खड़ी रहती है, घुली मिलती नहीं है। और अगर थोड़ी सी इसके अंदर हाफ प्याली लाल दाल की डाल देंगे, अगर आप एक लें तो आधी रख लें, तो उससे ये होगा कि आपकी जो दाल होगी बहुत अच्छी बनेगी खड़े मसूर की, और है ना इसमें एक लोच आ जाएगा और आपके मुंह से नहीं छूटेगी, बहुत टेस्टी बनती है। और चावलों के साथ इसको खाया जाता है, अगर रोटी से खाएं तो आप रोटी से भी खा सकते हैं। तो इसके जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाल दूंगी, और जो होते हैं यहाँ 2 से 2.5 चमचे मैं इसमें पिसी हुई मिर्च के ऐड करूंगी। यहाँ पे तकरीबन 2 प्याली से ज्यादा मैंने दाल बनाई है, तो ये देखिए मैंने 2.5 चमचे इसमें डाल दिए। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून हल्दी का लूँगी और 1 से 1.5 टीस्पून में यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें ऐड करूँगी। तो बस इसको मैं चढ़ा के छोड़ दूंगी और तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटे में हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और अगर हम इसे कुकर में बनाना चाहें तो उसमें तकरीबन आधा घंटा भी आपको नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में आपकी ये रेडी हो जाएगी। लेकिन हमारे घर वालों को ज़्यादा कुकर का खाना इतना पसंद नहीं आता, तो मैं इस हर चीज़ जो है पतीली वगैरह में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसका अपना अलग टेस्ट होता है। जितनी देर में खाना बनता है या जो इसका टेस्ट निकलता है उसका एक अलग ही टेस्ट आता है, जो जल्दी पक्के हो जाता है बनता है उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो तकरीबन ये देखिए मैं इसमें लहसुन और अदरक पेस्ट ये मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये हमें एक जोश दूंगी, उसके बाद मैं इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और जब तक किचन के दूसरे काम होते हैं वो नहीं डालें आप, और इसके अलावा कपड़े वगैरह भी आप आराम से इसको चढ़ा के धो सकते हैं दाल को। तो ये देखिए यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया, तो हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी। अच्छा, लास्ट टाइम में आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें, और अगर आप टमाटर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ हरी मिर्च और पुदीना ही इसमें डालूंगी
और बाद में मैं इसमें भगाऊंगी, और भगाने के बाद तो इसका अलग ही टेस्ट निकल कर आता है। आप थोड़ा सा लहसुन ले लें, 3 से 4 मतलब जो होती हैं उसमें से जवे, और इसके अलावा फिर इसको थोड़ा सा जीरा डालने में मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो यहाँ पे देखें, मैंने दूसरे साइड मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दी। अच्छा, कुछ लोग इसमें ना मतलब भगार के बनाते हैं, तो हमारे ये भगार के चावल नहीं बनते, हमारे ये बॉयल होते हैं। तो मैंने एक जो हमारी होती है उंगली की पोर, उसमें मैं पानी रख लिया था, और यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 kg हमारे ये चावल थे, तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg चावल लिए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और 2 चमचे मैंने उसके तेल के ऐड कर दिए थे। अब ये बॉयल आएगा तो मैं इसे दम पे दे दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने भगाने के लिए जो मैंने आपको बता रही थी, मैंने लहसुन लिया 2 से 3 अजवा वो जवे, और इसके अलावा मैंने 1 चमचा यहाँ पे जीरे का लिया था। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया था, मैंने इसमें भगा दिया, देखिए भगर गई है, और यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अच्छा, इसमें यहाँ पे आप हरी मिर्चें भी इसमें तल के खा सकते हैं, जो मैंने तली थी। इसमें बस कुछ नहीं करें, नमक ऐड करके इसको हल्का सा मतलब फ्राई कर लें हरी मिर्चों को। ओके व्यूअर्स, हमारा लंच तैयार हो गया है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको ये कैसी लगी, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।